दिल्ली सरकार की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस का कोहाट एनक्लेव में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप मंत्री अतिशी ने उपस्थित अध्यापक, शिक्षक, छात्रों व जनता को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बड़े से बड़ा स्कूल आपके सरकारी स्कूल को टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर है। आतिशी ने कहा कि 2015 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संकल्प लिया था कि दिल्ली के हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी। पिछले 8 सालों में दिल्ली में शिक्षा क्रांति देखने को मिली है। बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार स्कूल बिल्डिंग पे। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम का, जिसने इतनी शानदार बिल्डिंग यहाँ पे कोहाट इनक्लेव में खड़ी की है। तो मुझे लगता है पीडब्ल्यूडी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सोचते हैं कि हम एक दिन इंजीनियर बनेंगे, या आपके लिए भी ये सारे इंजीनियर्स एक प्रेरणा का स्रोत होने चाहिए कि अगर हम इंजीनियर बनते हैं तो हम अपने देश के लिए इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के पढ़ने के लिए इतना शानदार स्कूल बना सकते हैं। मैं खुद दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ और काफी जाना माना प्राइवेट स्कूल है वो। लेकिन अब जब हर बारी दिल्ली गवर्नमेंट के किसी स्कूल में आती हूँ, जब यहाँ पे उद्घाटन होता है, चाहे हमने पिछले कई महीनों में बहुत सारे स्कूलों का उद्घाटन किया है, सीएम साहब तो तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद एक स्कूल का उद्घाटन कर रहे होते हैं, और आज भी जब आपके स्कूल में घूम रही थी तो एक बात मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली का बड़े से बड़ा प्राइवेट स्कूल अब आपके सरकारी स्कूल को टक्कर नहीं दे सकता। आपका सरकारी स्कूल हर प्राइवेट स्कूल से बहुत आगे है। मुझे याद है 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, हमारे यहाँ पे एसएमसी टीम के भी कई सदस्य बैठे हैं, हम अक्सर जब स्कूलों में जाते थे तो स्कूलों का बहुत बुरा हाल होता था। खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे मुड़ के फूल बने हुए होते थे, पीने का पानी नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ होता था, बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होते थे, बच्चे जमीन पे बैठे हुए होते थे। सबको याद है ऐसा ही हाल होता था ना सरकारी स्कूल का। लेकिन 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, दिल्ली के हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, हर बच्चे को बराबरी का अवसर मिलेगा। और पिछले 8 साल में जो दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई है, चाहे शानदार नई स्कूल बिल्डिंग बनना हो, चाहे स्मार्ट क्लासरूम बनना हो, चाहे चमचमाते हुए डेस्क आना हो, चाहे प्रिंसिपल्स और टीचर्स को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजना हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बच्चों के लिए नहीं करी। ये उनका संकल्प था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, और आज हम दिल्ली में इसके नतीजे भी देख रहे हैं। हम दिल्ली में देख रहे हैं कि पिछले 7 साल से 12th स्टैंडर्ड में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के CBSE के 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये शिक्षा क्रांति का नतीजा है। हम ये देख रहे हैं कि जहां पूरे देश भर में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल निकाल के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, दिल्ली पहला ऐसा इकलौता राज्य है जहां पे उल्टा हो रहा है और माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। ये शिक्षा क्रांति का नतीजा है। पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। ये दिल्ली की शिक्षा, जहां पहले प्राइवेट स्कूलों के बाहर एडमिशन्स की लाइनें लगती थी, आज दिल्ली सरकार के बीआर अंबेडकर स्कूल्स और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में 4000 सीटों में एडमिशन्स के लिए 90,000 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। ये दिल्ली की शिक्षा क्रांति का नतीजा है। तो ये सब जो पिछले 8 साल में हुआ है वो किसके लिए हुआ है? वो यहाँ पे बैठे जो सारे बच्चे हैं, जो दिल्ली का भी भविष्य है और इस देश का भी भविष्य है,
उन सब के लिए हुआ है, ये आप लोगों के लिए हुआ है जो पिछले 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इतना बड़ा बदलाव किया है। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। राष्ट्र सर्वप्रथम।